हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन बिहाफ ऑफ रासा इंटरनेशनल स्कूल। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू हैव अ इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 3.1 फ्रॉम मैथमेटिक्स ऑफ क्लास सेकेंड एंड इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 98 and 99। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास सेकेंड के मैथमेटिक्स का न्यू चैप्टर चैप्टर 3 शुरू करने जा रहे हैं और इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं जो कि पेज नंबर 98 और 99 पर दिया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, आप अपनी अपनी बुक को ओपन कर सकते हैं और चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, एज यू कैन सी हियर चैप्टर नंबर थ्री एडिशन। सो स्टूडेंट, व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर को समझने के बाद हम क्या क्या सीख जाएंगे, इस चैप्टर को पढ़ने के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हम इसके बाद सीख जाएंगे ऐड टू डिजिट नंबर विदाउट रीग्रुपिंग। बिना रीग्रुपिंग करने के हम टू डिजिट नंबर को ऐड करना सीख जाएंगे, ऐड टू डिजिट नंबर विद रीग्रुपिंग, रीग्रुपिंग को करके भी सीख जाएंगे, ऐड थ्री टू डिजिट नंबर्स विद रीग्रुपिंग, यानी थ्री टू डिजिट नंबर दिए होंगे उनको रीग्रुपिंग के द्वारा ऐड करना सीख जाएंगे, सॉल्व वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन, और एडिशन पर जितनी भी वर्ड प्रॉब्लम्स आती हैं, ये वर्ल्ड प्रॉब्लम नहीं है स्टूडेंट, वर्ड है WORD, इसको सही कर लीजिए, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन एडिशन। तो एडिशन पर हम वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना भी सीख जाएंगे। तो थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं, देख लेते हैं कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। रमेश एंड बीना हैव बॉट टॉयज़ फ्रॉम अ शॉप। तो रमेश और बीना ने टॉयज़ खरीदे एक शॉप से। दे काउंटेड द नंबर ऑफ टॉयज़ इन द शॉप वाइल देयर मदर इज पेइंग द बिल। जब उनकी मम्मी जो कि बिल पे कर रही थी तो उन्होंने टॉयज़ को काउंट किया शॉप में। किस तरह से काउंट किया ये देख लेते हैं। तो उसमें टॉय कार्स जो खिलौने वाली कारें थीं वो कितनी थीं, 32। डॉल्स कितनी थीं, 15। अदर टॉयज़ कितने थे, 22। तो आइए ऐड करके देख लेते हैं क्या हम इनको ऐड कर सकते हैं। तो चलिए करके देख लेते हैं क्या ऐड कर सकते हैं कि नहीं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए सॉल्व करके देखते हैं। टू फाइव एंड टू, टू एंड फाइव आर सेवन, सेवन एंड टू, बोलिए सेवन एंड टू नाइन, वेरी गुड। थ्री प्लस वन फोर, फोर प्लस टू सिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो टोटल नंबर ऑफ टॉयज आर 69 इन द शॉप। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। आप क्लियरली समझ में आ गया होगा कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे समझते हैं। टर्म्स यूज्ड इन एडिशन, तो एडिशन में कौन से टर्म्स यूज़ किए जाते हैं, यानी कौन से वर्ड्स आपको देखने को मिलेंगे और उन वर्ड्स का मतलब क्या होता है। Putting things together to find out the total number of involves addition, यानी सभी चीज़ों को हमें कैसा रखना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है। The operation of addition is always begins from the ones place, तो addition का जो operation है वो ones place से start होता है, ये ones place इधर से start होगा, यहाँ से। The numbers to be added are called addends and the answer which we get after adding is called sum. तो स्टूडेंट्स, ये जो नंबर्स हैं 35 and 21, इनको हम addends बोलेंगे, addends, क्या बोलेंगे, addends, and यहाँ से जो आंसर आएगा 56, इसको हम क्या बोलेंगे, sum बोलते हैं। यानी दो नंबर को ऐड करने के बाद जो आंसर आता है वही आंसर उन दोनों नंबर्स का सम कहलाता है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए, और जिन दो नंबर को हम ऐड करते हैं
उन दोनों नंबर को हम एडेंड्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट रूल समझ लेते हैं। ऑर्डर ऑफ एडेंड्स, किस ऑर्डर में इनको पुट करते हैं, चलिए उसको समझ लेते हैं। इन एडिशन, इवन आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ एडेंड्स, द सम डज नॉट चेंज। आप किसी भी ऑर्डर में पुट कर सकते हैं, जैसे 23 + 44 करना है आपको, तो आप अगर 44 को चेंज करके आप ऊपर ले जाते हैं और 23 को चेंज करके आप नीचे रखते हैं, फिर भी उनका जो सम है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं होता, आप किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर पर ले जाइए, सेकंड नंबर को फर्स्ट नंबर पर ले आइए, उनका सम चेंज नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल बी सॉल्विंग द एक्सरसाइज 3.1। सो टिल नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, कीप स्टडिंग एट योर होम एंड ऑलवेज लव योर पेरेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।